दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अपने स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फिर वीडियो सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लगे ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डेवलपमेंट में जाना। डेवलपमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉलर आईडी स्पैम, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी कॉलर एंड स्पैम आईडी के ऑप्शन को ऑन कर देना। और यहाँ पर आपको फिल्टर स्पैम कॉल्स इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना। तो गाइस बेकर आते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉकेड नंबर्स, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अननोन नंबर के ऑप्शन को जब आप ऑन कर देते हैं तो आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाते हैं जो आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट सेव नहीं होते। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको ब्लॉक करना, तो उसके लिए आपको ऐड नंबर पर क्लिक करना, उसका नंबर यहाँ पर डाल देना जिसका आपको नंबर ब्लॉक करना हो, यहाँ से उसे ब्लॉक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। तो वैसे बेक आते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिम वन या सिम टू दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो हम सिम वन भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फेस डायलिंग नंबर करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं फेस डायलिंग नंबर्स। और यहाँ पर आप वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं तो वाईफाई कनेक्ट करके वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टर्न ऑन वीडियो कॉलिंग, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आप अपने फ़ोन पर वीडियो कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे किसी नंबर की कॉल फॉरवर्ड आप अपने नंबर पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल वेयरिंग, और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडमिन सेटिंग, तो एडमिन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से कॉल वेटिंग भी कर सकते हैं। तो वैसे बेक रहते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन आता है नंबर नोट यानी और कॉन्टैक्ट के ऑप्शन को जब आप ऑन कर देते हैं तो आपको उन नंबरों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जो नंबर आपके फ़ोन में सेफ नहीं होते। अगर आप किसी पर्सनल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट नंबर पर क्लिक करना, इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। और यहाँ पर चूज से कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके अपना नंबर वहाँ से सिलेक्ट कर लेना जिसकी आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वैसे बेक आते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था डिस्प्ले ऑपरेशन, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट वेव पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आप फर्स्ट टाइम से शो करना चाहते हैं या लास्ट टाइम से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर लास्ट टाइम पे करना चाहते हैं तो लास्ट टाइम पे क्लिक कर देंगे, और फर्स्ट टाइम से करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम पे रहने देंगे। तो गाइस बेक आ जाते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेवरी प्लीज, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा और नेवरी प्लीज के ऑप्शन को ऑन कर देना, और यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन को भी ऑन कर देना। तो गाइस बेक आ जाते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कीकू रिस्पॉन्सेस, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आती है, आप किसी मीटिंग वगैरह में बिजी हैं, जब आपको टाइम मिले आप उसे यहाँ से लेटर भेज सकते हैं। तो गाइस बेक आ जाते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ रिंगटोन भी लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन वॉल्यूम लगाना तो आप वॉल्यूम को तेज़ या कम कर सकते हैं। यहाँ से अलार्म सेटिंग करनी तो आप यहाँ से अलार्म वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना कोई सा भी साउंड लगा सकते हैं। तो गाइस बेक कर जाते हैं। बेक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो आपको वॉइस मेल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिम वन या सिम टू दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर अगर सिम टू पे भेजना चाहते हैं तो आप सिम टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला था, तो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप पे क्लिक करना होगा। सेटअप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल नंबर, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। और जिस नंबर पे आपको अपनी वॉइस मेल भेजनी है उसका नंबर डालना है, यहाँ पर इसे ओके करना, और यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है और यहाँ पर इसे ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो वैसे बेक आते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है फ़िलिप टू साइलेंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़िलिप टू साइलेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो ऑन करने से क्या होता है, जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आती है, आपकी जो फ़ोन पर रिंगटोन बजती है, आप चाहते हैं खुद ब खुद ऑफ हो जाए, जिससे कि आपका फ़ोन फ़िलिप यानी कि टेबल पे रखा आप अपना फ़ोन उल्टा कर देंगे यानी कि फ़िलिप कर देंगे, तो आपकी जो रिंगटोन है खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।